ऐसी ही स्वास्थ्य की आवश्यकता रहती है। हम चाहते हैं, हमारा प्रस्ताव भी है, आप सबकी इच्छा है कि सबको सुलभता से मिले, सस्ते में मिले, और समग्र विचार करके, सभी पाखियों का विचार करके, जिसको जो लागू होता है ऐसा देने वाली, एक शब्द चलता है प्लूरोपैथिक, ऐसी चिकित्सा पद्धति, ऐसी चिकित्सा व्यवस्था सरकार करे, ठीक है। लेकिन स्वास्थ्य केवल उपचार पर निर्भर नहीं रहता, बीमार होने पर उपचार की बात है, बीमार न होने के लिए कुछ करना पड़ता है। इलनेस की व्यवस्था हमारी अपेक्षा ठीक है, लेकिन वेलनेस का काम हमको भी करना पड़ता है। अब सरकार के नीति के कारण और उनके आशीर्वाद से भी योग की बात रूढ़ हो रही, सब लोग योगासन करें ऐसा प्रयास चल रहा है, संयम की आदतें, सार्वजनिक स्वच्छता की आदतें, इन सारी बातों में शासन की नीति तो अग्रसर हो रही, हमारी आदतें बदली है क्या? हम अपना कचरा कहां पर डालते हैं? हम अनावश्यक कचरा करते हैं क्या? अपने पर्यावरण को, अपने घर के परिवेश को स्वच्छ रखते हैं कि नहीं रखते? हमारी स्वयं की आदतें स्वच्छता की है कि नहीं? कितनी बातें सोचनी पड़ेगी। समाज जब तक सहयोग नहीं करता, व्यवस्था यशस्वी नहीं होती। केवल डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा था कि संविधान के द्वारा सबको आर्थिक स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता का लाभ हुआ है, परंतु वो पूरा का पूरा मिले, अमल में आए, इसलिए सामाजिक स्वतंत्रता की आवश्यकता है, और वो समाज की लानी पड़ेगी। कानून नियम तो बने, बाद में भी बने और आज भी बन रहे हैं, समाज में विषमता का निर्मूलन हो और समता को लाया जाए, यह उद्देश्य बताकर, यह उद्देश्य बनाकर भी नियम कानून तो बन रहे हैं, लेकिन विषमता रहती कहां है? विषमता तो हमारे आपके मन में रहती है। ऊपर ऊपर का इलाज होने से क्या होगा? अंदर तो नासूर सड़ता रहेगा, और इसलिए मन से उसका निर्मूलन होना चाहिए, समाज मन से विषमता चली जानी चाहिए, उसके लिए हम सबको काम करना पड़ेगा। मैं और मेरा कुटुंब, इसके मित्र, हमारे आसपास समाज में जितने प्रकार बाकी लोग मानते हैं, जाति मानते होंगे, भाषा मानते होंगे, पंथ संप्रदाय मानते होंगे, सब में मेरे अपने मित्र रहेंगे, जिनका मेरे घर और मेरा उनके घर आना जाना रहता है। सब वर्गों में ऐसे कुटुंब, हमारे कुटुंब के मित्र रहेंगे, जिनके हमारा आना जाना, उनका हमारे यहां आना जाना, उठना बैठना, खाना पीना, ऐसे संबंध है। और सामाजिक स्तर पर कम से कम मंदिर, पानी, स्मशान सबके लिए एक हो। छोटी मोटी बातों को लेकर आपस में झगड़ा ना हो, ये घोड़ी चढ़ सकता और वो घोड़ी नहीं चढ़ सकता, ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें अब समाज के आचरण से चली जाए, इसका प्रयास करना पड़ेगा। ये प्रयास समाज में होगा, हम सब लोग करेंगे, संघ के स्वयंसेवक करेंगे, समाज के सुबुद्ध नागरिक करेंगे, तब तो विषमता का निर्मूलन होगा और आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने वाली सामाजिक स्वतंत्रता का लाभ हमको होगा। ये हम सबको करना पड़ेगा। आर्थिक उन्नति के लिए भी रोजगार की बात आती है, बहुत सारी बातें चल रही है, स्किल ट्रेनिंग हो रहा है, उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली नीतियां आ रही है, और हम सब लोग चाहते हैं हमारी अर्थव्यवस्था कैसी हो, रोजगार उन्मुख हो, रोजगार बढ़ाने वाली हो, उपभोगवाद रहित हो, शोषण मुक्त हो, पर्यावरण की मित्र हो। सारी दुनिया आजकल ऐसा ही विकास चाहती है, हम भी चाहते, परंतु हमारे जीवन से भोग वृत्ति को हमने निकाल दिया कि हमारे जीवन में संयम है, हम अपने परिवार में रहन सहन में सादगी बरतते हैं, जितना आवश्यक उतना ही खर्चा करते हैं कि अपने वैभव का प्रदर्शन करके करने के लिए लुटाते हैं, हमारी प्रवृत्ति क्या है? हम इसकी चिंता करते हैं कि नहीं, कि मेरे करने में, मेरे अपने लिए कमाने में किसी का शोषण न हो। योग कर्मसु कौशलम गीता में कहा है,
और तथागत ने कुशलस्य उपसंपदा कहा है। वो कुशलता ये है अपना जीवन चलाना, दूसरे किसी के जीवन को हानि बिना पहुंचाए, ये हमारी परंपरा है। क्या हमारे जीवन में वो आई है? बीच में चली गई, हम स्वार्थी बन गए। उस स्वार्थ को अपने मन से हटाकर हमने इस आचरण को अपनाया नहीं तो शोषण मुक्त अर्थव्यवस्था कहां से आनी? रोजगार यानी केवल नौकरी, और नौकरी के पीछे ही भागेंगे, और वो भी सरकारी हो और बने तक मेरे घर के पास हो ऑफिस, ऐसा सब लोग दौड़ेंगे तो नौकरी कितनी दे सकता है? सरकारी और प्राइवेट मिलाकर किसी भी समाज में 10-20-30% ज्यादा से ज्यादा नौकरियां होती है, बाकी सबको अपना काम करना पड़ता है। उस उद्यमिता की प्रवृत्ति बढ़नी चाहिए। स्टार्टअप्स वगैरह सरकार शुरू कर रही, सरकार उसको प्रोत्साहन दे रही, लेकिन हमको उधर जाना चाहिए। हम करते हैं तो होता है, कोरोना में हमने देखा, कोरोना में और बड़ी संख्या में 3 करोड़ से ऊपर लोगों का इधर से उधर जाना हुआ, रोजगार छूट गए, नए रोजगार नहीं बने, ऐसे लोगों को रोजगार देने का काम हमने किया। केवल संघ के स्वयंसेवक ने नहीं, कोई एक संगठन, एक सरकार, एक नेता नहीं कर सकता, लेकिन उस समय सब लोग इकट्ठा आ गए, शासन प्रशासन भी आया, समाज के सदन संपन्न व्यक्ति भी आए, उद्योग चलाने वाले लोग भी आए, संघ के कार्यकर्ता, समाज के कार्यकर्ता सब एक हुए और सबने प्रयास किए तो मिल गया काम लोगों को। और इस अनुभव से सीखकर जो स्वयंसेवक आर्थिक विषयों को ध्यान देने वाले संगठन में काम करते हैं, उन्होंने बाद में भी ये उपक्रम चलाया, समाज के ऐसे सब लोगों को साथ लिया, उनके साथ वो रहे और एक एक जिला केंद्र पर उस जिला में ही जिनको काम मिल सकता है वहां के तरुणों को, ऐसे रोजगार कौन से, उनका प्रशिक्षण और रोजगार देने की बात उन्होंने शुरू की। 350 जिलों में ये काम शुरू हो गया है, सब जिलों में शुरू होगा और अभी तक बड़ा उल्लेखनीय रोजगार देने का काम उनके द्वारा हुआ है। आंकड़े मेरे पास नहीं है, मैं बताता, लेकिन ये मुझे मालूम है कि 350 जिलों में जिला केंद्र से ये काम शुरू हो गया है। ये हम अगर करेंगे नहीं तो अकेली सरकार और प्रशासन कितना रोजगार बढ़ा सकते? रोजगार लघु उद्योगों में, सहकारिता में, कृषि में सबसे ज्यादा होता है, ये तो अधिकांश सारे समाज के हाथ में है। समाज अगर ध्यान नहीं देता तो ये होता नहीं है। बार बार समाज 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 ये मैं क्यों कह रहा हूं? सरकार को उसके दायित्व से मुक्त करना मैं नहीं चाहता हूं और हमको मुक्त नहीं करना है, उस पर नजर रखनी है ठीक करते कि नहीं अपने दायित्व को पूरा, जनता का यही काम है। परंतु वो अपना दायित्व पूरा करेंगे तो भी अगर समाज नहीं करता तो उनकी बातों का यश नहीं आने वाला, क्योंकि सब बातों का कारण समाज है। उस समाज में यह परिवर्तन लाना पड़ेगा। समाज बड़ा विशाल है, कुछ लोग उससे भी डरते, इतनी बड़ी जनसंख्या है पहले उसको कम करो नहीं तो कुछ नहीं होगा। यह वाक्य पूर्ण सत्य नहीं है, ये बात सही है, जनसंख्या जितनी ज्यादा उतना बहुत ज्यादा, लेकिन यही एक बात नहीं है, क्योंकि जनसंख्या जैसे एक बोझ के रूप में देखी जा सकती है, वैसे जनसंख्या का ठीक से उपयोग किया तो एक साधन बनता है, एसेट बनता है। आज अपनी इतनी ज्यादा जनसंख्या है तो जैसे उसका वर्णन बोझ के रूप में हो सकता है, वैसे हम ये भी कह सकते हैं कि हम आज डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति में है। 57 करोड़ युवाओं की संख्या किसी दुनिया के देश में नहीं है, चीन हमारा पड़ोसी बूढ़ा हो चुका है, हम जवान रहने वाले 30 साल तक। जनसंख्या का विचार दोनों रूप से हो सकता है, वो एक साधन भी है और एक परिस्थिति में विचार करता है तो एक बात लगती है, दूसरे परिस्थिति में विचार करता है दूसरी बात लगती है। चीन की इतनी ज्यादा जनसंख्या थी, उनको बोझ लगने लगा, उन्होंने एक परिवार में एक संतान और बाद में नहीं संतान, ऐसी नीति अपनाई, बड़े कड़े प्रयास से उन्होंने उसको लागू किया।
हुकुमशाह है, वहां डिक्टेटरशिप है, यशस्वी हो गए, लेकिन फिर उनके ध्यान में आ गया अब सब बूढ़े ही बूढ़े हैं, काम करने के लिए जवान कहां से आएंगे, तो अब उन्होंने दो संतति को प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया। हमारे यहां क्या है, हमको भी विचार करना पड़ेगा, हमारा देश 50 वर्षों के बाद कितने लोगों को खिला सकता है, उस समय समाज में काम करने वालों की कितनी संख्या चाहिए, काम न कर सकने वाले उस समय कितने रहेंगे, आज के 57% युवा 50 साल के बाद काम करने की स्थिति में रहेंगे क्या, अपने देश का पर्यावरण कितने लोगों को खिला सकता है, कितने लोगों को झेल सकता है, इतने लोगों के शिक्षा की स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था हम कर सकेंगे, इतने लोग काम करेंगे रहेंगे भी, क्या क्या करना पड़ेगा। और केवल देश का प्रश्न नहीं है, जन्मदात्री तो माता होती है, वो हमारी मातृशक्ति का सशक्तिकरण हमने कितना किया है, उनका स्वास्थ्य कैसा है, उनको उनकी इच्छा क्या है, उनकी आवश्यकता क्या है, परिवार की भी आवश्यकता होती है, परिवार का भी विचार क्या है, यह एक समग्र विचार करके एक नीति बनानी पड़ती है। हमने ऐसी नीति बनाई कुछ वर्षों पूर्व, भारत सरकार ने बनाई, और 2.1 ऐसा एवरेज संतान, हमने उसको इतनी अच्छी तरह लागू किया, दुनिया को भी ये उम्मीद नहीं थी, वो आश्चर्य कर रही है, उससे भी नीचे हम आ गए 2 तक। लेकिन बहुत नीचे आना भी गड़बड़ होता है, क्योंकि घर के बच्चों को सामाजिक व्यवहार का प्रशिक्षण परिवार में मिलता है, परिवार में संख्या चाहिए, अपने बराबरी के भी 2-3 लोग चाहिए, ऊपर के भी चाहिए, नीचे के भी चाहिए, तो सबसे बात कैसे करना, सामाजिक संस्कार कैसे होता है, अपने अहंकार को कैसे संयमित करना पड़ता है, ईगो मैनेजमेंट कैसी करनी पड़ती है, ये सारी बातें सीखनी पड़ती है, उसके लिए परिवार की संख्या भी चाहिए। और जनसंख्या बहुत कम हो गई तो फिर बढ़ना बंद होता है, तो समाज के समाज लुप्त हो जाते हैं, भाषाएं लुप्त हो जाती है, कितनी भाषाएं दुनिया की बोलने वाले नहीं रहे, भाषाएं समाप्त हो गई। और इसलिए ऐसा समग्र विचार करना चाहिए। और यह भी हम देखते हैं कि जनसंख्या में प्रमाण का भी संतुलन चाहिए। हम भुगते हैं, जनसंख्या का असंतुलन हुआ तो 50 साल पहले उसके गंभीर परिणामों को हमने भुगता, और केवल हमारा ऐसा हुआ ऐसा नहीं, आज की तारीख में पूर्व तिमोर नाम का एक नया देश बना, दक्षिण सुदान नाम का नया देश बना, कोसोवो बना, जनसंख्या में पंथ संप्रदाय के प्रमाण में अंतर आने से नए देश बन गए, देश टूट गए। यह असंतुलन जन्मदर एक भाग है उसका, लेकिन जोर जबरदस्ती या छल कपट से, लालच से मतांतरण, यह सबसे बड़ा फैक्टर है। और जहां सीमा पार से घुसपैठ होती है, वहां घुसपैठ से भी यह होता है। उस संतुलन का भी ध्यान रखना देश हित की दृष्टि से अनिवार्य बात है। और इसलिए जनसंख्या की एक समग्र नीति बने, वो सब पर समान रूप से लागू हो, एक बार बनने के बाद किसी को छूट न मिले और समाज इसको स्वीकार करने कर ले, इसलिए उसके लिए मन बनाकर उसको लाया जाए, इसकी आवश्यकता है। क्योंकि फिर से समाज में अगर उसको नहीं माना तो नीति क्या करेगी, समाज स्वीकार करता है, अगर लाभ देने वाली बात है, स्वार्थ की बात है, समाज सहर्ष स्वीकार करता है, उसके लिए समझाना नहीं पड़ता, लाभ दिखता है या 3 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद बच्चों को मिलने वाला है, यह अगर पक्का है समाज उसको स्वीकार करता है। लेकिन जहां देश के लिए छोड़ना पड़ता है,
हमको नहीं मिलेगा, किसी और को मिलेगा, जलना बंद करके देना पड़ता है। वहां समाज में सहयोग दिखता है कि प्रतिरोध दिखता है, सवाल बात है। जो ऐसा त्याग करना पड़ता है, जो ऐसी तपस्या करनी पड़ती है, उसको भी समाज स्वीकार करे, इसलिए स्व की जागृति का महत्व है, क्योंकि समाज यानी हम है।